मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का खास प्रोग्राम भोजपुरी टॉप न्यूज। जी हाँ, जहाँ आप सभी लोगों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की ताज़ा तरीन खबरें फटाफट अंदाज में आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए दिखाते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों हुई अक्षरा सिंह भावुक और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने किस तरह से दिखाई अपनी दरिया दिली, दिखाई अपना बिहारी होने का अंदाज। जी हाँ, देखिए हमारी ये फटाफट न्यूज। ये देखिए, ये है हमारी माता जी, उनका ध्यान रोटी पे ही जल न जाए। और इनकी दो दो पतो इनको छोड़ के बॉम्बे भाग गई है, तो अब मैं इनके लिए रोटी बना रहा हूँ। क्या बात अच्छा, मतलब घूमने खाते गए ठीक बात है, ऐसे मजाक करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों की मृगनयनी अक्षरा सिंह इन दिनों भोजपुरिया दर्शकों की खास पहचान बनी हुई हैं। हालांकि ना तो वो बड़े किसी हीरो के साथ फिल्में कर रही हैं और ना ही उनका नाम विवाद में है, लेकिन सिर्फ अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के बल पर ना सिर्फ उनका स्टेज शो देखने भारी भीड़ पहुंच रही है, बल्कि उनके शो को देखने के लिए यूट्यूब पर भी खूब सारे व्यूज मिलते हैं। जी हाँ, 4 दिन तक लगातार स्टेज शो करने के बाद अक्षरा के शो के सारी वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी खूब प्यार मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अपने कोयलर के शो में अक्षरा ने पवन का गाना गाते हुए इमोशनल होते नजर आए। वही गाना जिसे सुनने के बाद हर कोई इमोशनल हो जाए। इस गाने के बोल थे, सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, लगा के हटावल बहुत बात होला। जानकारी के लिए बता दें कि इस गाने को गाने के बाद अक्षरा ने ये भी कहा कि मैंने सब खो दिया है, कुछ नहीं है मेरे पास, अब सिर्फ आप लोग ही मेरा साथ देंगे, अगर नहीं देंगे तो मैं घर बैठ जाऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार मिला तो जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। अक्षरा की इन बातों से साफ साफ लग रहा था कि वो अभी भी पवन को अपने साथ स्टेज पर मिस कर रही है, जिसे शब्दों में बयां ना करके गानों के जरिए कह रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सुपरहिट जोड़ी पवन आम्रपाली बहुत जल्द अपनी फिल्म शेर सिंह के जरिए आप लोगों के बीच आने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म से जुड़े कई सारे लोग सोशल मीडिया पर देखने को मिल चुके हैं। अपनी फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग दोनों ने मिलकर बैंकॉक में की है, तो बैंकॉक से ही एक संदेश आया है कुछ तस्वीरों के जरिए। जी हाँ, आम्रपाली और पवन की तस्वीरों से कहानी का कुछ अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इन तस्वीरों में जहाँ आम्रपाली दुल्हन बनी दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ घोड़े पर सवार दिखे पवन सिंह, जिसे देखकर ऐसा लगा कि ये फिल्म एक प्रेम कहानी पर बनी है। लेकिन ये प्रेम कहानी बड़ी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इससे पहले आम्रपाली के हाथ में बंदूक भी देखी गई है। आम्रपाली के हाथों और पैरों से एक्शन करते हुए भी देखा गया है, जिससे ये भी साबित हो गया है कि प्रेम से पहले दोनों में खतरनाक एक्शन भी होगा, उसके बाद दोनों प्यार का इजहार करेंगे और फिर एक भी हो जाएंगे। तो इस रोज आने वाली नई नई दिलचस्प तस्वीरों और कहानियों के बाद इस फिल्म को देखने का उत्सुकता दर्शकों में अभी से देखी जाने लगी है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल की फिल्म आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है बलम जी लव यू, जो जिस भी सिनेमाघर में लगी हर जगह। वैसे तो इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुपरहिट इस बार की फिल्म रही है छपरा जिला के सिनेमाघर पंकज सिनेमाघर में। जी हाँ, पंकज सिनेमाघर में इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की अथाह भीड़ देखी गई है, जिसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार की फिल्म के लिए खेसारी के लिए ये सिनेमाघर ही सबसे ज़्यादा लकी साबित हुआ है। जिस समय से खेसारी की फिल्म यहाँ लगी है, हर शो लगातार हाउसफुल चल रहे हैं और हर शो लगातार बहुत भारी भीड़ के साथ देखा जा रहा है। उस सिनेमाघर के ऑर्गेनाइजर भी काफ़ी खुश हैं, साथ ही साथ इस फिल्म के मेकर प्रेमांशु सिंह भी बहुत खुश हैं कि उनकी फिल्म को बिहार से इतना प्यार मिल रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्मों के रिलीज हुए आज पांचवा दिन है, लेकिन बिहार के हर सिनेमा घरों में चिंटू की फिल्मों का शोर है। वो फिल्म है प्रदीप पांडे चिंटू की दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2, जिसे बिहार में 78 सिनेमा सेंटर मिले हैं और हर सिनेमा सेंटर में हर शो इस फिल्म का हाउसफुल चल रहा है। बिहार के सिनेमा सेंटरों से जुड़ी कई सारी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है, जिसमे फिल्म को देखने के लिए अंधाधुंध भीड़ मिल रही है। जाते जाते बता दें कि जिस तरह से फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है और जितनी भीड़ फिल्म को देखने पहुंच रही है, अगर वैसे ही कमाई के मामले में कुछ दिनों तक फिल्म और सिनेमा घरों में चली तो क्या खेसारी की फिल्म संघर्ष का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ पाएगी? क्योंकि संघर्ष फिल्म ने इंडस्ट्री में बदलाव भी किए और कमाई का एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया, इसलिए इस साल की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर खेसारी लाल की संघर्ष साबित हुई है। उसके बाद ये फिल्म क्या इस लिस्ट में शामिल हो पाएगी, ये देखने का इंतजार सभी को बेसब्री से रहेगा। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। बिहार झारखंड से प्यार पाने के बाद बीते दिन पहले खेसारी लाल की फिल्म बलमजी लव यू को मुंबई में रिलीज कर दिया गया है, जहां इस फिल्म को देखने के लिए दूसरे दिन भारी भीड़ देखने को मिली। उस भीड़ में कई परिवार दिखे तो कई बच्चे और औरतें भी दिखी। सभी ने फिल्म को अच्छा बताया, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म के सिर्फ डायलॉग ही पसंद आए तो वहीं कुछ लोगों को काजल की एक्टिंग सबसे बेहतरीन लगी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि खेसारी के बाद काजल अपनी केमिस्ट्री चिंटू के साथ बेस्ट ज्यादा बना पाती है या नहीं। लेकिन कुछ लोगों को फिल्म के सिर्फ डायलॉग्स पसंद आए हैं तो कुछ लोगों को काजल की एक्टिंग ही सबसे बेस्ट लगी है, और लगेगी भी क्यों नहीं, आखिरकार वो खेसारी के साथ जो दिखाई दी थी। खेसारी और काजल की जोड़ी को हमेशा दर्शक पसंद करते हैं। वेल, जोड़ी से याद आया कि खेसारी के बाद बहुत जल्दी चिंटू के साथ भी काजल की जोड़ी बनने वाली है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि खेसारी के बाद काजल राघवानी को चिंटू के साथ उनकी केमिस्ट्री पसंद की जाती है या नहीं, या फिर यूं कह लीजिए कि चिंटू के साथ काजल की जोड़ी लोगों को पसंद आएगी या नहीं। जाते जाते बता दें कि मुंबई के दर्शकों को बलमजी लव यू में काजल राघवानी इस बार ज्यादा पसंद आई हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कल गुजरात मामले में अपनी जिंदगी गवा बैठे अमरजीत के बच्चों से मिलने पहुंचे, जहां खेसारी से मिलने के बाद किस तरह से फूट फूट कर अमरजीत के बच्चे और उनकी पत्नी रोने लगी। पूरे परिवार को हम गोद ले लिए, ये मेरा परिवार है, पूरा परिवार की गोद लिए है, समझ रहे हैं? हम इतने जो क्रेन ले आए हैं मैं सर, क्रेन स्कूल, क्रेन बोल रहे हैं चाचा जी, क्रेन में एडमिशन हो गया, क्रेन अच्छा है ना, क्रेन में, क्रेन जी, क्रेन में एडमिशन हो गया, क्रेन में लोग का नाम लिखवा दीजिए, नंबर हम ले लेते, सब कुछ ले लो, नंबर ले लो, हाँ, यहाँ का कौन आपके कोई और आदमी है यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है? बैंक सब ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए, अकाउंट नंबर ले लो, और पिता सुनिए ना, एक मिनट रुक जाइए भैया, आप अपना दीजिए अकाउंट नंबर, बहन का अकाउंट नंबर ले लो, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर उनका दीजिएगा, दीदी का दीजिए, हमारा अकाउंट नंबर हमें याद है, हाँ तो ले लो, ले लो मोबाइल नंबर, हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, और भैया मेरा बच्चा, मैं आपको आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, रखो बाबू बेटा रखो, कोई बात नहीं, इनके लिए आजीवन मैं हूँ माँ, ये मेरे बच्चे हैं, सुनो बच्चा की गोद लेनी है हमेशा के लिए, जब तक हम सब न बन जाए, मैं इनका अच्छी स्कूल में नाम लिखवा देता हूं, नेशनल बैंक टिकारी, जब तक जीऊंगा बेटा मैं तब तक आप लोग 38 से कम है, निर्धारित मेरे पास कॉल कर 30 हमेशा कॉल करो, बातें करना मेरे से, अकाउंट नंबर मत दीजिए, आप फादर के लिए आप लोग खाली इन लोगों को बात करने, आप लोग बाहर जाइए, सारे लोग बाहर जाइए, परिवार वाले को बच्चे को रहने दीजिए, अरुणी पत्नी और कोई नहीं। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नाम एक बार फिर से गुजरात विवाद को लेकर चर्चाओं में आया है, और आज खेसारी लाल यादव गुजरात जा रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर करके इस बात की जानकारी दी है, जहां गुजरात विवाद को लेते हुए खेसारी ने अपने एक नई फिल्म की कहानी के को भी इससे जोड़ा है। जी हाँ, सुनिए जरा क्या कहा खेसारी लाल यादव ने।
मीरू भाई, इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ कि अगर हर हादसे के बाद अगर हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं इस धरती पे, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बस कुछ नहीं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबकी मोहब्बत है, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले लोग यहाँ हैं इस धरती पे। शायद ये सब देखकर अगर हर आदमी ऐसे अनाथ बच्चों को अगर गोद ले लिया तो शायद वो अनाथ शब्द नहीं रह जाएगा धरती पे, और अनाथालय नहीं होगा इस धरती पे। पहले तो बच्चे ही अनाथ होते थे, आजकल तो माँ बाप भी अनाथ हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें अपने देश में समस्या है, इसी बेस पे मैं एक सिनेमा भी कर रहा हूँ, कुल्ली नंबर वन, क्योंकि मैं अब इसीलिए वो हर वो सब्जेक्ट कर रहा हूँ जिससे समाज को कुछ आईना की तरह दिखने को मिले कि हाँ ये चीजें। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह का 18 अक्टूबर को बिहार के गया में उनका स्टेज शो हुआ था, जिस स्टेज शो की जानकारी तो अक्षरा ने दी थी और साथ ही सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह के उस स्टेज शो की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रही हैं जिसे देखकर हर किसी के जुबान से बस एक ही बात निकलेगी, ऐसी भी कभी नहीं देखी। जी हाँ, अक्षरा सिंह के उस स्टेज शो में जो भीड़ उमड़ी है उसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में अक्षरा की लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और अक्षरा सिंह का दर्शकों के बीच इस तरह फेमस होने पर एक बड़ी वजह ये भी है कि अक्षरा सिंह जहाँ पहले एक हीरोइन के तौर पर जानी जाती थी तो वहीं अब वो एक हीरोइन के साथ साथ सिंगर भी बन चुके हैं, और अब किसी भी स्टेज शो में अपनी अदाओं के साथ अपने डांस से और अपनी गायकी से पूरे स्टेज शो में वो समा बांध देती हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारियां जो कि आपके स्टार और उनके फिल्मों के साथ जुड़ी थी। अब फिलहाल मेरा वक्त हो गया जाने का, लेकिन हाँ, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, साथ ही हमारे चैनल और हमारे प्रोग्राम पे कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर जो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की ताजा तरीन तमाम खबरें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हंसते रहे मुस्कुराते रहे, और मुझे दे इजाजत, नमस्कार। Yeah.